हेलो डे स्टूडेंट्स तो जैसे कि हमने कल बात की थी कि आज हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नो तो इस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम किन्हीं बातों का जिक्र करेंगे एंड दैट इज ये सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू थ्री थिंग्स इसको हमने कैटेगराइज कर दिया है फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द डरेक्शन डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड द थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ एक्सप्रेशन इन तीन तरीके से हमने ये कम्युनिकेशन को डिवाइड किया है या फिर कैटेगराइज किया है ऐसा हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिरेक्शन में हम देखते हैं कि देर इज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड होराइजेंटल कम्युनिकेशन डाउनवर्ड उसका नाम ही देखो डाउनवर्ड नो जो नीचे की तरफ आता है मीन नीचे की तरफ कहाँ से आएगा इस पर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो कोई भी पढ़ाई हो किसी भी टॉपिक की पढ़ाई कर रहे हो आप बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप शब्दों की तरफ ध्यान दे नो डाउनवर्ड डिरेक्शन डाउनवर्ड डाउन डाउनवर्ड नो ये ऐसे रहेगा डाउनवर्ड This is downward. मीन ऊपर से नीचे की तरफ अब ऊपर क्या होता है ऊपर no? और नीचे नीचे तो जो सबसे नीचे के कैटेगरी uh, में आने वाला जो एम्प्लॉय रहेगा वो या जो भी शख्स रहेगा कम्युनिकेशन में वो सो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन देन वी हैव द अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड देन वी है कम्युनिकेशन एज सच इन तीन तरीके से हम कम्युनिकेशन को देखते हैं इन द कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द डरेक्शन वेन वी गो फॉर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जरिए जब हम देखते हैं तो वी गो फॉर दिस फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड वेन वी गो फॉर अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज कम्युनिकेशन

लेना पड़ता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स प्रॉपरली तो चलो देखते हैं इसे कैसे हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन लाइक इंडिविजुअल्स एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू नीड्स कम्युनिकेशन फॉर देयर प्रॉपर एंड सक्सेसफुल फंक्शनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रॉपर फंक्शनिंग चलना हो सक्सेसफुल फंक्शनिंग चलाना हो तो जरूरी हो जाता है दैट देर शुड बी द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी वर्क पॉलिसी से थोड़ी सी मैनेजमेंट के ताल्लुक से हुई बातें इनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे वी डायरेक्टली कम दिस डाउनवर्ड कम्युनिकेशन तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हमने इन बातों को लिया है सो वॉट थिंग्स आर टेकन इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन लेट एस सी द फर्स्ट इज एक्सक्यूज मी मैनेजिंग डायरेक्टर से शुरू होगा फिर उसके जनरल मैनेजर पर आएगा उनसे बात करेंगे जनरल मैनेजर बात करेंगे अपने असिस्टेंट मैनेजर के साथ असिस्टेंट मैनेजर बात करेंगे अपने डिविजनल हेड के साथ डिविजनल हेड बात करेंगे सुपरवाइजर के साथ और सुपरवाइजर बात करेंगे अपने एम्प्लॉय के साथ सो दिस इज वॉट द वे टू गो फॉर डाउनवर्ड ऊपर से नीचे आ रहा है सो सिंपल नो no, समझने में ये बहुत आसान है मिस हर वो चीज मिस मेरी ज्ञान को लेकर ज्ञान को हासिल करने को लेकर अपनी एक राय है एग्जाम की बात को थोड़ा दूर रखते हैं हम और समझ की तरफ चलते हैं तो ज्ञान को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप देखते कैसे हो चाहे वो वर्ड्स हो पिक्चर हो चीजें हो आपके अनुभव हो आपके विचार हो दूसरों के विचार हो वॉट आपका देखने का जो दृष्टिकोण होता है ये दृष्टिकोण आपको ज्ञान हासिल करने में मदद कराता है करता है तो दैट इज वॉट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन अब यह फिक्स हो गया इसी बात को अगर हम अपवर्ड कम्युनिकेशन में लेकर जाएंगे तो बस हमें उल्टा जाना पड़ेगा फिर भी हम देख लेते हैं कैसे इसको हमने अंजाम दिया है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी बातें है करते हैं फिर हम जाएंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन की तरफ इफ इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल इन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार की डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस मीन्स क्या है इसमें हायर लेवल से जब वो लोअर लेवल पर जाता है तो कम्युनिकेशन जो बनता है उन दोनों में तो दैट इज कॉल्ड द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शंस टू द सबॉर्डिनेट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड गोल्स अब ये बात तो मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा आप समझ गए कि प्रिंसिपल टू द एच ओ डीज एच ओ डीज टू द फैकल्टी जो भी उनके कॉलिग्स हैं उनको कॉलिग्स टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स फिर किसी को नहीं बता पाएंगे तो स्टूडेंट्स है उसके आखिरी मीन्स स्टेप है लेकिन यही बात अगर मैनेजमेंट डिरेक्ट मैनेजिंग डिरेक्टर्स जो है वो फिर प्रिंसिपल फिर एच uh, फिर अपने uh, जो कॉलिगस uh, है प्रोफेसर्स से वो और प्रोफेसर्स टू द क्लार्क्स एंड जो भी लोग उनके uh, उनके बाद आते हैं हम नीचे आते हैं ऐसा नहीं कहेंगे उनके बाद आते हैं उस तरीके का जो कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एज सच देन वी शल गो फॉर अपवर्ड कम्युनिकेशन अब इसको सिर्फ एरोस को उल्टा कर दिया है हमने यू नो मिस एम्प्लॉय से शुरू होगा एम्प्लॉय सुपरवाइजर को बताएगा सुपरवाइजर बात ऊपर रखेगा ऊपर से और ऊपर ऊपर और सबसे आखिरी जो उनका अहदा है सबसे आखिरी में उन तक बात मैनेजिंग डायरेक्टर से डायरेक्टली एम्प्लॉय बात यहाँ पर नहीं करता है इन द अपवर्ड कम्युनिकेशन में नो you know, वो एक के बाद एक मिस तय हुआ है कि इसी तरीके से कम्युनिकेशन होगा या होना चाहिए ओके दिस इज व्हाट ये भी आपको पता है हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं देन वी शिल गो फॉर होराइजेंटल कम्युनिकेशन ये बात आपको बिल्कुल भी पता नहीं थी वॉट इज होराइजेंटल मीन्स यू नो ये हॉराइजेंटल है आप समझ रहे हो होराइजेंटल जो इस तरीके से है तो कैसे देखते हैं हम इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बात करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ और एम्प्लॉय बात करेंगे एम्प्लॉय के साथ सो सिंपल इट इज मैनेजिंग डायरेक्टर विल टॉक टू द मैनेजिंग डायरेक्टर मीन जो सेम पोजीशन में आने वाले जो लोग हैं

एनवायरमेंट इन इन वर्क प्लेस टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन जब एक ही लेवल के लोग एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो ज्यादा इफेक्टिव फंक्शनिंग भी हो पाएगा जनरल तौर पर ऐसा नहीं होता है नो मीन्स हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं होता है देर इज अ काइंड ऑफ राइवलरी हम क्या देखते हैं एक तरह की स्पर्धा देखते हैं राइवलरी देखते नो कॉम्पिटिशन देखते हैं से बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है उसके आइडियाज को एक्सेप्ट करना अपने आइडियाज बताना अगर अपने आइडियाज को बताने के बाद रिजेक्ट हो जाती है तो क्या ऐसी बहुत सारी नकारात्मकताएं होने की वजह से हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं जैसे एम्प्लॉय एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेशन करने में हिचकिचाते हैं हिचकिज दिस इज व्हाट इज अ बिग प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन हम दोनों बातों का जिक्र करेंगे फॉर्मल लेवल पर हम एग्जाम के लिए तो देख ही रहे हैं लेकिन एग्जाम के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे हमें इन चीजों की तरफ देखने का हमारा एक अपना नजरिया होना चाहिए ओके सो लेट अस मूव फॉर दिस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन तो फॉर्मल कम्युनिकेशन नो फॉर्मल औपचारिकता जिसमें होती है जिसमें कुछ कस्टम्स होते हैं कुछ मैनर्स होते हैं नो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो ये लोग देखो कैसे बैठे हैं ये होता है फॉर्मल उनका सिटिंग का अरेंजमेंट ही फॉर्मल है उनके कपड़ों का तरीका भी फॉर्मल है उनका देखने का तरीका भी फॉर्मल है मीनस एवरीथिंग इज वेरी फॉर्मल औपचारिक जिसे कहा जाता है जिसमें शिष्टाचार होते हैं जिसमें कुछ नियम कायदे कानून होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कम्युनिकेशन के भी तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सो यू कैन सी वो कितने करीब बैठे हुए हैं क्लोज देन हैविंग टी और कॉफी कप इन देयर हैंड्स स्माइल एंड फिर उनका चेहरा एक दूसरे का बिल्कुल नहीं दिख रहा है आप अगर देख भी लेंगे तो उनमें एक तरह का इनफॉर्मल रिश्ता है हम समझ जा सकते कि एक तो ये फैमिली है या फिर फ्रेंड्स है या फिर अच्छे कॉलिग्स हैं जो आफ्टर द वर्क उनका काम के बाद एक दूसरे से मिले हैं और इनफॉर्मल तरीके से वो देख रहे हैं सो दैट इज़ वॉट आई रियली डोंट वॉन्ट टू वेस्ट आर्ट आई मीन सच काइंड ऑफ सिम्पल थिंग अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ एक्सप्रेशन हमने देखा है

वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन में ये बातें हैं औरल कम्युनिकेशन है फेस टू फेस टॉक इंस्ट्रक्शंस लेक्चर्स मीटिंग्स कंप्लेंट्स इंटरव्यूज रूमर्स टेलीफोन ये सारी बातें अगर आप देखते हो तो आपकी समझ में आता है कि दिस इज़ वर्बल कम्युनिकेशन बट वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन सो वॉट इज दैट इट इंक्लूड्स लेटर्स मैनुअल्स रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज रिटर्न फॉर्म ऑल दिस थिंग्स

सक्शन माउथ पेन इन थ्रोट थर्स एक्सप्ल ऑफ गो अवे हॉट एंड मच मोर सिर्फ साइंस नो जेस्टर्स फेशियल एक्सप्रेशंस बॉडी लैंग्वेज इसके जरिए हम बहुत बार नो हम बात करते हैं लोगों से तो फॉरन पता चल जाता है वो बिल्कुल हमें रिस्पॉन्स नहीं देते तो वे अंडरस्टैंड वेदर दे आर हैप्पी वेदर दे आर डिस वेदर दे आर अनहैप्पी वेदर दे आर एंग्री टेंट कंटेंट बोले तो संतुष्ट नहीं हम है हमसे ऐसी सारी बातें इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चलती नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे आप अभी अगर मेरा लेक्चर सुन रहे हो ओके okay? आप इसको क्लिक कर दोगे तो आप किस तरीके से बैठे हो लेक्चर सुनने के लिए दैट इज अ मैटर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपकी क्यूरियोसिटी को बताएगा जो आपकी सिंसिरिटी को बताएगा वरना बहुत बार मैं क्या देखता हूं बच्चे जब लेक्चर में बैठते हैं उनसे कुछ भी पूछ लो ब्लैंक फेस दे सीट इन अ वेरी ब्लैंक वे ब्लैंक फेस बैठते हैं मीन्स ऐसा नहीं होता है जब आप सुन रहे हो किसी की बात तो ऐसे सुनना चाहिए कि जैसे आप बात नहीं करोगे बीच में टोकोगे नहीं लेकिन सामने वालों को लगे कि आप उनसे बात कर रहे हो न आपके चेहरे पर क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए नाराजगी आ जानी चाहिए एग्रीमेंट disagreement आना चाहिए आंखों में चमक आनी चाहिए फोर पर माथे पर बल पड़ जाने चाहिए थोड़ा सा आपका जो एच है ये ऊपर उठ जाना चाहिए फिर आपके सोचने का अंदाज बन जाना चाहिए much more is there. ऐसा होना ही चाहिए जैसे कोई गाना सुनते वक्त हमारे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं नो सो ये जो एक्सप्रेशंस हमारे होते हैं ये बहुत ज्यादा मीनिंग रखते हैं नो you know, और इनको समझना अकॉर्डिंग टू दैट कम्युनिकेशन हो पाना बहुत ज़रूरी होता है अगर लोग सामने बैठे हुए लोग अगर बहुत ही नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो स्पीकर का उत्साह बढ़ जाता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाता है ये होना बहुत ज़रूरी है आप किसी से भी बात करें दिस इस नॉन इसको हम कहाँ पर देखते हैं जनरली इसको सिनेमा में बहुत ज़्यादा देखा जाता है सिनेमा में दिया हुआ होता है कि जब ये बात कर रहे तो आप बात ना करें लेकिन आप एक्सप्रेस हो विदाउट सिंगल सिंगल सेंटेंस वर्ड यू हैव टू एक्सप्रेस थ्रू योर एक्सप्रेशन दैट दो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन एज सच आगे बढ़ते हैं see, क्या है इसमें हाँ ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन सो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज वॉटीन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अनऑर्गेनाइज एंड अनऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेन कम्युनिकेशन ऑफरवेड रूमर्स हाफ ट्रूथ्स फॉल्स एंड इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स इन ऑल द डायरेक्शन देर वर इट कैन अपवर्ड डाउनवर्ड और होराजेंटल ग्रे पॉइंट के जैसे देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसी ग्रे पॉइंट के जैसा है इसमें क्या होता है जो ओवर स्मार्ट तो नहीं कहूँगा स्मार्टी पैंट्स भी नहीं कहूँगा उनको लेकिन कुछ बदमाश लोग होते हैं यू नो और ये बदमाश लोग क्या करते हैं जनरली बदमाशी करते हैं इन एन इनफॉर्मल टॉक क्या करते हैं वो इन एन वेरी ओवर स्मार्ट रूमर्स दूसरों के बारे में रूमर्स फैलाना इनका धंधा होता है इनका काम होता है ये बहुत खराब चीज़ है अफवाह फैलाना देन हाफ ट्रूथ आधा सच बताते हैं और सब तरफ फैलाते हैं नो तो हम बोलते हैं यार क्या तुझे वो बात पता है और फिर वो बात धीरे धीरे सब धीरे धीरे उस वो बात उस कैंपस में उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मिस ये इसीलिए इसको मिस अपवर्ड भी कहा जाता है ये डाउनवर्ड भी कहा जाता है ये होराइजेंटल भी होता है नो no, मींस एकदम नीचे से भी ये बात शुरू हो सकती है ऊपर जा सकती है ऊपर से आप बात नीचे आ सकती है बिकॉज इसके पीछे मानवीय प्रवृत्ति का भी बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है फॉल्स झूठी बातें इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स करते हैं ये मैं ऐसा मानता हूँ मीन्स पर्सनली आई बिलीव कि ये बहुत ही खराब चीज़ है नो इट इज़ इट इज़ अ वर्स्ट थिंग इन ह्यूमन हिस्ट्री आई कैन से लेकिन मानवीय प्रवृत्ति है इसलिए हम इसको करें यह गलत है बहुत अच्छे समझदार अच्छे तो नहीं कहूँगा लेकिन पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स भी कहते हैं ऐसे लोग इस इन बातों में बड़े घुसे पड़े रहते हैं दूसरों की बदनामी करना बुरा भला कहना दूसरों के बारे में बातें करना सो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये जो ग्रेप वाइंड कम्युनिकेशन है इस ग्रेप वाइंड कम्युनिकेशन में हमें देखना पड़ेगा कि कैसे लोग दूसरों की बदनामी करते हैं अफवाहें फैलाते हैं झूठ कहते हैं अर्ध सत्य कहते हैं नो और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स करते हैं दूसरों के लेकर बिल्कुल ये ना सोचते हुए कि इसका बहुत बुरा असर किसी दूसरे व्यक्ति के मन पर हो सकता है और फिर ऐसे लोगों के बारे में भी दूसरे लोग बात करना शुरू कर देते हैं ये बोले तो एकदम बुमरैंग है आप करोगे और फिर आपके बारे में कोई बात ना करेगा मैं इसलिए रुक गया हूँ यहाँ पर आपसे बात करने के लिए कि अगर मानवीय प्रवृत्ति के तौर पर आप में मुझ में भी अगर ये खामी है ये वाइस मीन्स बहुत दुर्गुण है तो हमें इससे बचना चाहिए हमें इससे दूर रहना चाहिए बहुत लोग दूर न रहने, रहने की वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी होती न उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही बेकार की पर्सनैलिटी हो जाती है बहुत ही खराब और बेकार पर्सनैलिटी के लोग वो होते हैं चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, वो बहुत ही खराब टाइप के लोग होते हैं जो अफवाहें फैलाते हैं जो अर्ध सत्य बताते हैं जो झूठी बातें बताते हैं जो दूसरों की बदनामी करते हैं जो फॉल्स स्टेटमेंट्स करते हैं जो जिम्मेदाराना बात करके किसी दूसरे के जीवन पर बुरा प्रभाव डालते हैं ये इससे बुरी बात दुनिया में मैं मुझे नहीं लगता इंसानी रिश्तों में दोस्तों में कॉलिग्स में कम्युनिकेशन की ये सबसे बुरी बात मैं मानता हूँ क्या आपके पास दो ऑप्शंस आप, आप, होते हैं हमेशा यू हैव ऑलवेज एन ऑप्शन वो ये होता है भाई कि आप अच्छी बातें करें दूसरों को लेकर अच्छा जिक्र करें और दूसरा आप बुरा ज़िक्र करें तो बुरा जिक्र करने वाले लोग होते हैं शैतान उन्हें कहा जाता है वाइस दुर्गुण है उनके अंदर ये और फिर वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी और थोड़ा अच्छे बड़े बुजुर्ग रहने के बावजूद भी उन्हें अच्छा कोई कह नहीं सकता सो दैट इज़ द मैटर ऑफ़ दिस ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन मैं बिल्कुल यहाँ पर रुक गया था डिलीबरेटली एंड टाइप्स ऑफ ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन हम देखते हैं कि ये ग्रे पॉइंट ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स हैं नो तो सिंगल स्ट्रांट देन क्लस्टर चेन गॉसिप चेन देन प्रोबेबिलिटी चेन फ्री फ्लो नो तो ये किस तरीके से होता है सिंगल uh, स्ट्रांड होता है ये हम देखते हैं इसको सी सिंगल स्ट्रांड होता है क्लस्टर चेन होता है गॉसिप चेन होता है एंड प्रोबेबिलिटी वर्सेस चेन फ्री फ्लो होता है तो इसको आप थोड़ा सा अपने अंदाज से समझें देखें तो आपकी समझ में आएगा कि हाउ इज सिंगल स्ट्रांड इज व्हाट इज सिंगल स्ट्रांड सिंगल स्ट्रांड में क्या होता है

गॉसिप चेन व्हेन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल गॉसिप गॉसिप पता है हमें no. हम गॉसिप करते हैं चर्चा करते हैं नो no. इसको चर्निंग भी बोलते हैं इसको बैक बाइटिंग भी बोलते हैं लेकिन एक इंसान क्या करता है बहुत सारे लोगों को बताता है और वो बहुत सारे लोग फिर बहुत सारे लोगों को बताते हैं अनदर इज द थिंग प्रॉबिलिटी चेन इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन गॉसिप इज स्प्रेड बाय रैंडम फ्री फ्लो और नेटवर्क्स विच इंक्लूड्स नंबर ऑफ पीपल आर नॉट नेसेसरीली लिंक्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशनल यू नो मीन्स ये फ्री फ्लो होता है नो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशनल थ्रेड नहीं होता इसमें बस चलते चले जाता है फ्री फ्लो होता है नो कोई भी किसी को भी कुछ भी बता रहा है आजकल ये बड़ा चलता है सोशल मीडिया पर खास करके सोशल मीडिया में बिल्कुल कोई ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट नहीं होता है फ्री फ्लो इन्फॉर्मेशन को बहुत ही बुरी तरीके से ग्रेफ पॉइंट कम्युनिकेशन के तौर पर फैलाया जाता है और हम इसके मीन्स वी आर द विक्टम्स ऑफ इट मीस सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अगर कोई प्रॉब्लम आज की दुनिया में कम्युनिकेशन के तौर पर देखा जाता है तो ये फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन का गॉसिप का होना है जो बहुत ही बुरी तरीके से फैलती है और बहुत ही अजीब तरीके से भी फैलती है सो दैट इज़ वॉट वी कॉल इट वायरल वायरल हो जाती है ये वायरल होना ये बुरी बात है अस सी द नेक्स्ट वन and we shall stop then cluster chain in it it communication happens in several group of people linked together by clusters group group se you no know, gattho gattho se baat hoti hai cluster hota hai iska you know ye ek cluster hai sorry ये एक cluster इनसे share करता है और ये पूरा cluster ये दूसरे group से share करता है So that is the cluster. चेंज हो जाती देन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कल बिकॉज़ नो आपको भी थोड़ा सा वक्त मिले चीज़ों को समझने में आज हमने देखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन ये एग्ज़ाम को लेकर तो आप सीखे ही लेकिन साथ ही साथ एग्ज़ाम के अलावा आप ये भी देखें कि ये आपकी ज़िंदगी में कैसे ज़्यादा बेहतरी ला सकता है आपकी पर्सनैलिटी को कैसे ज़्यादा अच्छा बना सकता है सो so, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करें कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर कि और आप क्या चाहते हो कि उस पर वीडियोस बन जाएं और इसे शेयर करें अपने दोस्तों में जिन लोगों को ज़रूरत है जिन तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो ये बहुत ज़रूरी है हम हज़ारों मैसेजेस बेकार के मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं अच्छे मैसेजेस एकेडमिक के मैसेजेस एजुकेशन के मैसेजेस ज्ञान के मैसेजेस यू you नो know, अच्छा है कि मैसेजेस भी फॉरवर्ड होना जरूरी है इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस सो कीप स्टडिंग